एक बड़ा खुलासा WHO की तरफ से किया गया है कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है डबल म्यूटेंट वायरस के जो केसेस हर गुजरते दिन के साथ जिनकी तस्दीक हुई है वो बाई से तशवीश है। और आलमी सतह पर हिंदुस्तान एक ऐसा मरकज बन गया है WHO के मुताबिक जहां पर कोविड वायरस का ये जो नई किस्म है जिसने मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर जो माहिरीन है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। और तकनीकी माहिरीन की एक टीम ने इस नए वायरस पर अब तहकीक भी शुरू कर दी है ताकि कम से कम ये पता लगाया जा सके इस वायरस को मजीद फैलाव से कैसे मुल्क की सतह पर रोका जा सकता है जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त दर्देसर बन गया है। मुल्क के अंदर B1617 वेरिएंट जो है कोरोना वायरस की नई किस्म जो इस वक्त जिस पर तहकीक चल रही है सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर इसकी शिनाख्त हुई, हिंदुस्तान के अंदर इसके केस की तस्दीक भी की गई माहिरीन की तरफ से। और दूसरी बात, इस वक्त आलमी सतह पर जो ये वायरस है जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है वो एक बड़ा चैलेंज ना बने इसके लिए पहले से तकनीक शुरू कर दी गई है, तहकीक इस पर तकनीकी टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर मारिया वैन कैरकोवे जो कि कोविड 19 कल जो तकनीकी टीम है WHO की तरफ से काम कर रही है पिछले 1.5 साल के अरसे के दौरान उसके हेड भी हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस वक्त WHO की तरफ से इस वायरस के लिए मजीद तहकीक के लिए काम शुरू कर दिया गया बाकायदा सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं आलमी सतह पर। अब हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले लोगों के साथ ये वायरस मजीद फैलने से कैसे रोका जा सके, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इस डिजीज को, तो उससे इकदाम फौरी तौर पर आलमी इदारा सेहत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साथ ही इस वायरस की तस्दीक चूंकि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुई थी उससे पहले जो इंतजामिया ये दावा कर रही थी कि जो बरतानिया से या UK से आने वाला वेरियंट वायरस था वो मजीद फैलाव का एक सबब बना था, लेकिन उसके साथ इस वायरस की जब तस्दीक हुई थी तो WHO की तरफ से इस पर साफ जाहिर कर दिया गया कि इस पर जब से वायरस शुरू हुआ जब केसेस की तस्दीक होना शुरू हुई तो उसके बाद अब इस पर बाकायदा तहकीक भी शुरू कर दी गई है। यह आलमी इदारा सेहत की तरफ से इस वक्त